जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को टिकट न मिलने से खासी नाराजगी देखी गई। आज नानक चंद्र अग्रवाल के दुर्गा नगर आवास पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और रुपए लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया है। पेश है ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज दुर्गा नगर स्थित नानक चंद्र अग्रवाल के घर पर हंगामा काटा है। कार्यकर्ताओं का साफ आरोप है कि नानक चंद्र अग्रवाल और वर्तमान महानगर अध्यक्ष कन्हैया लाल गुप्ता ने मोटी रकम लेकर पार्टी की नीतियों के विरोध काम करने वाले लोगों को टिकट बेचा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्षदी के इस चुनाव में जो दावेदार थे उनको टिकट नहीं दी गया, लेकिन बाहरी लोगों को टिकट दे दिया गया। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने का कार्य किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर हंगामा काटा और नारेबाजी की और नानक चंद अग्रवाल का पुतला भी दहन किया। पेश है ये रिपोर्ट। वार्ड नंबर 35 से बीजेपी का टिकट का प्रबल दावेदार था मैं और पब्लिक का मेरा बहुत अच्छा जनाधार था। संजीव यादव वार्ड नंबर 35, एक साल से मैं बाढ़ में मेहनत कर रहा हूँ, 10 साल लगातार वो प्रधानी रही है मेरे परिवार में और डॉक्टर दिलीप यादव के भाई को टिकट दे दी गई है, जानबूझ के टिकट दे दी गई है। इसमें नारायण चंद्र अग्रवाल जी, मुकेश वर्मा जी का इनका पूरा हाथ खड़ा हुआ है और पैसे दे के टिकट दी गई है इन लोगों को। और जैसे टिकट दी गई वो टिकट गड्ढे में चली गई, नगर बाबू टिकट गड्ढे में चली गई। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में वोट डरवा रहे थे, मैं बीजेपी में वोट डरवा रहा था और जानबूझ के सीट इन्होंने सब बीजेपी की सीट गड्ढे में चली गई। जो मालूम पब्लिक आज बहुत विरोध कर रही है और ऐसी सीट ने निर्णय लिया, बहुत गलत निर्णय लिया है। वार्ड नंबर 35 से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको कब पता चला कि आपका फेरबदल हुआ है? मुझको तो रात मालूम पड़ा है, रात मालूम पड़ गया, मैं तो यही इंतजार में बैठा था, लग्न सूची है। इसीलिए क्या लगता है, इसीलिए टिकट देरी से की गई थी? इसीलिए टिकट देरी से की गई है, लखनऊ में लिस्ट आती तो हम लोगों का नाम आता है, उसमें ईमानदारी होती। यहाँ पर जो नगर निगम में जो लिस्ट तैयार की है, यहाँ लिस्ट तैयार की है, टिकट पैसे से भेजी गई है, टिकट पैसे से भेजी गई है। हम लोग विरोध करेंगे, धरने पर बैठेंगे, बीजेपी के हमारे विरोध जो कैंडिडेट लड़ेगा उसको जीतने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव की शुरुआत हुई तो यहाँ पर आवेदन जब से मांगे जाने लगे थे, भ्रष्टाचार तो तभी से शुरू कर दिया था महानगर अध्यक्ष और उनकी टीम ने, पैसे ले लेकर के आवेदन मांगे गए कुछ लोगों से, 51-51 सौ रुपये तब लिए गए। मैंने तब भी इस बात का विरोध किया था, इन लोगों ने मेरे ऊपर कुछ गुंडों द्वारा हमला करा दिया था, लेकिन ये बात और आगे बढ़ती चली गई, ये लोग निरंकुश होते चले गए और माननीय वीरेंद्र सिंह सिरोही जी हमारे जो यहाँ पर चुनाव अधिकारी के रूप में आए थे उनके समक्ष भी जो नाम तय हुए, कल जो सूची जारी हुई है रात को देर रात ही उन्होंने सूची जारी की, उसमें उन लोगों के भी नाम काट दिए गए जो सिरोही जी के सामने तय हुए थे, उनका भी विभाजित कर दिया गया और पैसे के आधार पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, किसी से 51,000 रुपये, किसी से 1,00,000 रुपये, किसी से 2,00,000, 5-7 लाख रुपये तक लेकर के इन्होंने टिकटें बेची है। ये बिल्कुल कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है और जो लोग सपा और बसपा से जुड़े लोग हैं एक तरह से इनको खुला संरक्षण दे रहे हैं। दिलीप यादव के भाई MLC पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप यादव के भाई एक परिवार के धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दी गई, वहाँ अपना बूथ का कार्यकर्ता संजीव यादव था उसको टिकट नहीं दी गई। श्रीमती सुमन शर्मा यहाँ खड़ी है, उनके पति पर हमला हो गया था, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी टिकट को काट के किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया। इस तरह से तमाम 8-10 टिकटों को इन्होंने इधर से उधर किया है और सब पैसे के दम पर किया है, इसका कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, मूल कार्यकर्ता ठगासा महसूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कन्हैया लाल गुप्ता, कृष्ण मुरारी अग्रवाल, नानक चंद अग्रवाल जैसे लोगों की हठधर्मी से फिरोजाबाद का कार्यकर्ता सड़क पर उतर आया है और प्रदेश तक अपनी पूरी बात पहुंचाएगा। हम लोग अनुशासित सिपाही हैं भाजपा के, कोई हम हिंसा नहीं चाहते, कोई उपद्रव नहीं चाहते, लेकिन इतना अपमान भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के नेतृत्व को भी अवगत कराना चाहता हूँ, रात को मैं स्वयं
दो बजे भवानी सिंह जी हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, उनसे पूरा विषय को अवगत करा चुका हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि सुबह आज वीरेंद्र सिंह सिरोही पुनः आएंगे और यहाँ पर जो चीज़ है केशव जी संभव है मंडल अध्यक्ष और मैं और सोबरन सिंह भवानी जी को खुद लेटर दे के आए थे कि एक दिवाकर है राहुल दिवाकर है, उसका कोई आवेदन नहीं आया था, केवल उसमें 14 या 15 वोट दिवाकर हो गए और जाटव समाज से 3500 वोट हैं और जो कार्यकर्ता हमारे साथ काम करता रहा है उसकी टिकट काट दी गई है। इसको लेके आज क्या किया गया है? इनमें चोरों का घराव कर रहे हैं, बीजेपी इनके घर की पार्टी तोड़ रही है। तमाम दुनिया के आरोप यहाँ लग रहे हैं कि टिकट बेची गई है 7 से 8 लाख रुपए में। आरोप कभी गलत नहीं लगते, सही आरोप है, सही आरोप है, सही आरोप है। तो भारतीय जनता पार्टी के अब ये जो कार्यकर्ता हैं जिनके साथ गलत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता अब आगे क्या करेंगे जिससे कि शीर्ष नेतृत्व इस पर संज्ञान ले? उनको न्याय मिलना चाहिए और जिनके जो वास्तविक कार्यकर्ता है उनको सबको टिकट ना, तो वो हमारे बाढ़ के लोगों को जानता है ना हमारे बाढ़ के लोग उसे जानते हैं। खैगढ़ का रहने वाला आदमी है और यहाँ पर खड़ा हो गया है और उसे टिकट दी गई है। हमारी मेरा सर्वे पहला नंबर था और उसका तो सर्वे में नंबर ही नहीं था और उसका मतलब मेरा नंबर काट करके पहला नंबर और उसको टिकट दी गई है। टिकट ना देने का क्या कारण? टिकट ना देने का कारण तो यही है, पैसा है और क्या हो सकता है। हाँ, उसने खुद कहा कि मैंने 5 लाख रुपया देकर के 12 नंबर 3 की टिकट खरीदी है और मेहनत के संबंध बीजेपी से अच्छे मंत्री जी संबंध और तेरे मंत्री जी के संबंध हमारे पैसे के आगे कुछ भी नहीं है। तो हमने लोकसभा में काम किया, विधानसभा में काम किया, वो तो कभी मतलब पार्टी में आया भी नहीं। और तो पैसे से वो वकील है, वकील है। मैं पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। तीनों पैनलों में चाहे वो महानगर का हो चाहे वो मंडल का हो, तीनों पैनलों में पहले नंबर पर मेरा नाम था। सब ने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम पहले नंबर हो, तुम्हारी टिकट फाइनल है। और बीएसपी के सभासद को टिकट दे दी जिसने पार्टी में एक दिन काम नहीं किया, उसका कारण सिर्फ यह है कि वो महानगर के मंत्री का जो सुरेंद्र राठौर जी हैं उनका चाचा है, वो कभी पार्टी में नहीं आए। मैं शुरू से पार्टी में काम कर रहा हूँ, मैंने जब से पार्टी ज्वाइन किया तब से पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैं जो भी कार्यक्रम हुए पार्टी के सभी में मैं गया हूँ और सभी में मैंने काम किया है। लेकिन वो जेब के लोग, महानगर के मंत्री उनके चाचा को टिकट दी गई, वो कन्हैयालाल के सबसे खास हैं इसलिए उन्हें टिकट दी गई कि वो कन्हैयालाल के सुरेंद्र जी हमेशा साथ रहते हैं और जिसे टिकट दी गई है वो उनके चाचा हैं। अब इसके लिए तो नहीं, अभी जो निकल के आया अभी तक यही आया है और पैसों, बिना पैसों के तो आजकल कुछ नहीं होता। महानगर के कुछ ही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। नानक चंद अग्रवाल का आवास है जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हैं, उनके भाई डॉक्टर अनिल जैन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। सीधा तौर पर आरोप है लोगों का, डॉक्टर नानक चंद्र जी ने इनसे पैसे लेकर टिकट बांटी है और ऐसे लोगों को टिकट दिए जो कि पार्टी में कभी कार्यकर्ता नहीं थे। आइए बात करते हैं ऐसे ही पदाधिकारी से। कितने समय से जुड़े हैं भाजपा से? मैं 92 से जुड़ा हुआ हूँ। 92 से आपने टिकट मांगी थी? जी। क्या रहा? टिकट नहीं मिली, पैसे लेके विनोद को पैसे दे दिए विनोद ने और हमारी टिकट काट दी। तो विनोद कौन है, मतलब उसका बैकग्राउंड अच्छा है आपसे? हमारा अच्छा क्या, हमारे मोहल्ले का ही रहने वाला है। आप बता भैया, आप तो काफी पुराने नगर अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा में जी, आपका क्या रहा? पूरे नगर के अंदर इन्होंने जो टिकटों की जो बिक्री की है, मूल कार्यकर्ता अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के नाम तो इन्होंने पहले ही काट दिए थे, कुछ लोगों से एडवांस ले लिया और जिन लोगों से पैसे ले लिए उनसे भी कह दिया कि अगर आपकी किसी भी तरह नहीं हो पाई तो 20% काट करके आपका पैसा वापस किया जाएगा। भाजपा की ये संस्कृति कभी नहीं रही, खुला नंगा नाच, खुला भ्रष्टाचार कन्हैयालाल गुप्ता, नानक चंद अग्रवाल, सिमोन स्रोती, कृष्णमुरारी अग्रवाल ने किया है। मूल कार्यकर्ता 25, 26, 26, 28, 28, 30 साल के कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस सबका विरोध हमने प्रदेश नेतृत्व को पहुंचा दिया है। प्रदेश में रात को 2 बजे आगरा भवानी सिंह जी हमारे जो संगठन मंत्री उनको भी बता दिया है, वह किसी न किसी के व्यक्ति को भेजेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ खड़े रहेंगे, बैठेंगे, धरना देंगे। इसी तरह का पूरा मामला फिरोजाबाद में तमाम सैकड़ों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता, आप सुमन शर्मा हैं, पूर्व सभासद भी रही हैं, अच्छी वर्कर हैं, क्या कहेंगी इस पूरे मामले? मैं पूरे मामले में इस बात को कहूंगी कि मेरे जो है पतिदेव को जो टिकट 1 नंबर पर रखा गया था, आज वहाँ उनका नाम काट के बसंतपाल सिंह का नाम है और बल्दियत में उनके पिताजी का नाम है, इसलिए ये षड्यंत्र के तहत लग रहा है कि पार्टी ने किस तरह से कटिंग की है और ये इतनी बड़ी मिस्टेक पार्टी मान नहीं रही है कि इसमें मिस्टेक हो गई है। मैंने कहा भाई साहब मिस्टेक कैसे हो गई,
इस तरह की वारदातें पार्टी के लिए हित में नहीं है। मैं कोर कमेटी में भी थी, मेरे पति को टिकट दिया गया, आज उन पर हादसा भी हुआ है, आज वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, फिर भी मैं जो है मैंने देखा कि मैं संभाल लूंगी, कोई बात नहीं है। आपका नाम है, नाम उनका काट दिया है और उनके पिताजी की बल्दियत है बसंत पाल सिंह। राजपूत जी पुराने कार्यकर्ता हैं, कितने समय से संघ भाजपा और संघ से जुड़े हैं आप? मेरे तो जब से होश संवारा है जब से जुड़े हुए हैं। क्या रहा, आप भी टिकट के दावेदार थे, आपकी चर्चा भी चल रही थी? मेरे मंडल अध्यक्ष ने मेरा नाम नंबर वन पे भेजा था, लेकिन जिसका नाम पैनल में भी नहीं था उसको टिकट थमा रहे हैं ये लोग। कारण क्या मानते हैं? लेन देन मानते हैं, पैसे पैसा चला वाली पद्धति अपना, वही पद्धति अपना ये दो तीन लोगों ने। भाजपा के लोग क्या करेंगे? भाजपा के लोग अपना यार इनसे शांतिपूर्वक बात करने आए हैं, भाजपा को तो भाजपा से तो हम अलग है ही नहीं, लेकिन इन कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, क्या होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ? इन्होंने पूरे फिरोजाबाद की भाजपा को खत्म करने का काम किया है। अभी के प्रकरण से ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने सपा के प्रत्याशी से कोई ना कोई तालमेल बना लिया। ठीक ठीक, सीधा आरोप है सपा के नेताओं से तालमेल बनाया गया है। रविंद्र शर्मा ढपली वाले करके मौजूद है, ढपली बजाते बजाते जिंदगी बीत गई, भाजपा का प्रचार किया आपने, आप भी टिकट के दावेदार थे? नहीं, मैं दावेदार नहीं था, मेरी आदरणीय भाभी दावेदार थी और मेरा 68 साल का इतिहास है, मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का, मेरा खुद का, मेरी भाभी जी का। लेकिन इस समय ऐसा जो यहाँ काम चल रहा है, इस काम के लिए मैं बहुत दुखी हूँ और निश्चित रूप से इस पार्टी को रसातल में ले जाने वाला काम ये कुछ लोग कर रहे हैं, ये कुछ लोग ये ऐसा काम करेंगे, लेकिन हम जो है कसम खाते हैं, संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे रसातल में नहीं जाने देंगे। कौन कौन लोग इसमें मिले हुए हैं, आप लोगों की टिकट काटी है, किन किन लोगों को? मैं आपको बताना चाहूँगा, रात को 10 बजे से फ़ोन आना चालू होते थे, कृष्ण मुरारी अग्रवाल, नानक चंद अग्रवाल जी के कहने पर कन्हैयालाल गुप्ता, राधेश्याम यादव और शिवमोहन श्रोती, संजय मिश्रा, ये लोग लोगों को फ़ोन करते थे और ब्लैकमेल करते थे, बोले तुझे टिकट चाहिए तो तू 2 लाख रुपये लेके आ, अगर तू 2 लाख नहीं दे रहा है तो तेरा सामने वाला 3 लाख रुपये लेके खड़ा है, ऐसे करके बार्गेनिंग करके रेट बढ़ाया जाता था और 5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक में वार्डों की टिकटें बेची गई हैं। अभी जितने वार्डों में टिकट दी है, क्या भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है? भाजपा के कार्यकर्ता है ही नहीं, आप 100 आदमियों को भाजपा के लोगों को खड़ा कर लीजिए और प्रत्याशी को खड़ा कर लीजिए, अगर 5 आदमी भी कह जाए कि मैं इसको जानता हूं तो मैं टिकट मांगूंगा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में। साफ तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है, उनका सीधा साधा आरोप है कि जिन लोगों को टिकट बांटने की जिम्मेदारी दी उन्होंने दलाली की, घूसखोरी की और 2 लाख जिसने दिए उसको टिकट दी, 2 की जगह जिसने 30 दिए।